नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो भसूड़ी की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। हिना की बढ़ गई टेंशन। धोखाधड़ी के मामले में बुरी तरह फंसी हिना। मामला ये है कि उनके ऊपर 12 लाख के गहनों का फ्रॉड करने का आरोप लगा है। दरअसल एक नेशनल चैनल ने खबर चलाई थी कि हिना ने एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उनके गहने तो पहने, मगर बाद में उन गहनों को लौटाया नहीं। इस बात पर उस ज्वेलरी ब्रांड ने हिना खान को नोटिस भी भेजा है कि वो उनके गहनों को 15 दिनों के अंदर वापस लौटा दे। वही हिना खान ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर न्यूज चैनल के जरिए एक शॉकिंग रिएक्शन दिया और इस बात को साफ खारिज करते हुए लिखा, मुझे हैरानी है ये लीगल नोटिस मेरे घर पर ना पहुंच कर बाकी के मीडिया हाउस में पहुंच गया। सॉरी हेटर्स, ये तरीका नहीं चलेगा, कुछ नया ट्राई करो। चौंकाने वाली बात यह है कि अब मीडिया में हिना खान के नाम पर जारी हुए लीगल नोटिस की कॉपी भी सामने आ गई है, जिसमें हिना खान का नाम और उनके घर का पता साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात ये है कि हिना खान ने इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया और हिना खान को नोटिस अब तक क्यों नहीं मिला, या फिर हिना इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।